तो आज हम बात करेंगे S22 Ultra और 4G के कंपैरिजन के बारे में, जो कि मैंने अपने खुद के यूसेज में ऑब्जर्व किए। सबसे पहले हम बात करते हैं S-Pen। S-Pen दोनों फोन में कंपैटिबल है, बट अगर कन्वीनियंस की बात करें तो वो S22 Ultra में इसलिए ज़्यादा है बिकॉज वो उसके साथ हमेशा एज एन अटैचमेंट कैरी कर सकते हैं। मगर S22 की जगह जब हम 4G की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें वो एक्स्ट्रा एक्सेसरी की तरह कैरी करना पड़ता है, जो कि कहीं ना तो कहीं इनकन्वीनियंट हो जाता है। बट जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली फोल्ड 3 यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देता है, बिकॉज उसके अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम S22 से अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्क्रीन साइज, जो कि एक नॉर्मल फ़ोन से काफ़ी बड़ा है, तो हम एक पेन और पेपर की फीलिंग आती है बिकॉज हमारा एस पेन का भी साइज़ बड़ा है एंड स्क्रीन साइज ऑफ द फोल्ड 3 इज ऑल्सो बिग। तो एक बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है जब हम नोट्स बनाते हैं या जब भी हमको स्क्रिबल करना होता है, तो फोल्ड 3 को हम बहुत इजीली यूज़ कर पाते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए आई वुड से कि जब एस पेन की यूसेज की बात है तो फोल्ड 3 हैज़ अ बेटर एज ओवर एस पेन 2 अल्ट्रा। एंड एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड से, जब मैंने एस पेन खरीदा था अपने फोल्ड 3 के लिए, तो मैंने एस पेन प्रो खरीदना प्रेफर किया, बिकॉज अगर मेरे को अल्टीमेटली एक्स्ट्रा एस पेन कैरी करना ही है तो वाई कैरी अ नॉर्मल एस पेन दैन एस पेन प्रो, बिकॉज एस पेन प्रो कैन बी यूज फॉर बोथ द डिवाइसेज, S22 अल्ट्रा हो या फिर फोल्ड 3 हो या फिर कोई भी ऐसा सैमसंग डिवाइस जो एस पेन सपोर्ट करता हो। तो इट मेक सेंस टू बाई एस पेन प्रो, इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड डेफिनेटली उसकी फ्लुएंसी इज बेटर देन एनी एस पेन विच इज कमिंग विद डिवाइसेज। एंड फॉर दैट मैटर S22 अल्ट्रा हो जिसका एस पेन उसके अंदर आ रहा है, फिर भी उससे बेटर फ्लुएंसी हमें एस पेन प्रो में मिलती है, तो वहाँ पर भी एक यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल S Pen is better in Fold 3 as compared to S22 Ultra as per my opinion.